नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के लिए पार्टियों का प्रचार लगातार जारी है। इस दौरान राजनीतिक दलों में आर पार की जंग चल रही है। राज्य में यूं तो पहले चरण के लिए मतदान 27 मार्च को होना है, लेकिन विधानसभा चुनाव के लिए पहला वोट पड़ चुका है। ये कैसे हुआ, चलिए आपको बताते हैं। बंगाल के झारग्राम जिले में बुधवार को एक 82 वर्षीय महिला ने अपना वोट डाला। ये वोट उन्होंने डोर टू डोर सुविधा के तहत डाला है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक चुनाव आयोग इस बार 80 साल से अधिक उम्र वाले या गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों को घर पर ही पोस्टल बैलेट से वोट डालने का ऑप्शन दे रहा है। इसी के तहत झारग्राम की 82 वर्षीय बसंती ने अपना वोट डाला। चुनाव आयोग के मुताबिक बसंती के अलावा उसी वार्ड से 6 अन्य 80 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों ने भी वोट डाला है। चुनाव आयोग की एक टीम कुछ सीआरपीएफ के जवानों के साथ झारग्राम में महिला के घर पहुंची, जहां वोट डलवाया गया। जिस वक्त 82 वर्षीय बसंती ने अपना वोट डाला, तब उस कमरे में उनके परिवार के सदस्यों को आने की इजाजत नहीं थी। बसंती ने अपना वोट बैलेट पेपर से डाला, जिसे एक सील लिफाफे में रख लिया गया। चुनाव आयोग के मुताबिक इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की गई है। बसंती के परिवार वालों के मुताबिक वो ठीक से नहीं चल पाती और ऐसे में उन्हें पोलिंग बूथ तक जाने में काफी मुश्किल हो सकती है। चुनाव आयोग ने जब इस सुविधा को दिया तो उन्होंने इसका फायदा उठाया। आपको बता दें कि झारग्राम जिले की 4 विधानसभा में 27 मार्च यानी कि पहले चरण में ही वोटिंग होनी है। चुनाव आयोग की कुल 86 टीमें पहले चरण के मतदान के लिए अगले एक हफ्ते तक ऐसे ही 80 वर्ष से अधिक उम्र वालों के घर पर जाकर वोटिंग करवाएगी। करीब 5,715 वोटर ऐसे हैं जिन्होंने इसके लिए अप्लाई किया है। गौरतलब है कि बंगाल में कुल 8 चरणों में सभी 294 सीटों पर वोट डाला जाना है। पहले चरण के लिए 27 मार्च को वोटिंग है, तो वहीं आखिरी चरण के लिए 29 अप्रैल को वोटिंग है। वहीं बंगाल और अन्य चारों चुनावी राज्यों के नतीजे 2 मई को ही आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।